हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर से वीडियो आपके लिए आ चुका है और एक नई रिकॉर्डिंग के साथ। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग्स में होता क्या है कि बार बार कई बार फ़ोन करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन कोई देना ही नहीं चाहता, और क्योंकि उन लोगों को शायद इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसकी वजह से ये लोग इंटरनल इन्फॉर्मेशन देते नहीं होंगे। तो अब आप जाहिर सी बात है, आप बार बार फ़ोन करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बात निकल ही जाएगी। तो आज फिर से एक नई बात निकल के आई है, उसके कुछ डिटेल्स के बारे में बात निकल के आई है जिसके बारे में बात नहीं की जा रही थी। अब तक जो बात करी जा रही थी वो फुट रेस्ट के बारे में बात करी जा रही थी, और उसके लाइट्स के बारे में बात करी जा रही थी, और उसके व्हील के बारे में बात करी जा रही थी, और भी कई चीज़ें जिसके बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियोज़। यहाँ पर कुछ नई डिटेल्स पता चली हैं जो मैंने कॉल करके पता किया है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप लोग नए और क्या डिटेल्स चाहते हैं वो आप लोग अपने कमेंट्स में डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगा कि मुझे ये चीज़ें और पता करनी है। तो उसके बारे में, हाँ, प्राइस के बारे में इतना कुछ उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ कई चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि पहले रिकॉर्डिंग्स में या पहले वीडियोज़ में आपने नहीं देखा होगा, या और वीडियोज़ में नहीं देखा होगा आपने। तो हाँ, तो बस ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इन फ्यूचर आपको क्या कहते हैं, क्या चीज़ चाहिए, क्या क्वेश्चंस आपको पूछना है कस्टमर केयर पे, वो आप अगर कमेंट में डाल देंगे तो वो मैं पूछ लूँगा आपके बिहाफ पे। या फिर हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप खुद कॉल करें और आपको कोई नई डिटेल पता चले तो आप वो मुझे सेंड कर दें, तो जिससे कि और लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और लोग भी देख लेंगे। तो हाँ, रिकॉर्डिंग क्या थी वो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द कोरोना वायरस क्राइसिस, we are proactively switching to emergency support mode in order to ensure uninterrupted services. However, this may result in some delays in our services. Welcome to Royal Enfield, a helpline for all things Enfield. Hindi ke liye ek dabaye. For English, press 2. आपातकालीन सड़क साइड सहायता के लिए कृपया एक दबाए। आपका कॉल अब हमारी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग रॉयल एनफील्ड सपोर्ट। माय नेम इज अनिकेत, हाउ कैन आई हेल्प यू? अनिकेत सर, मुझे थोड़ा एक कंफर्मेशन चाहिए था एक चीज का। मैंने जो है थंडरबर्ड 350X बुक किया था जनवरी के लास्ट में, हाँ। लेकिन जैसे पता नहीं, मैंने सुना है अब तक जैसा कि थंडरबर्ड एक्स जो है डिसकंटिन्यू हो रही है। अच्छा, हाँ नहीं, मैं वही सोच रहा था। एक तो उन्होंने बोला था कि फरवरी तक में आ जाएगा, फरवरी के लास्ट तक में, फिर फरवरी में नहीं आया, फिर मार्च में भी नहीं आया, अब अप्रैल आ गया, और मुझे ये समझ में डेफिनेटली जैसे लॉन्च होगा सर, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है सर, वहाँ पे गाइड किया जाएगा। जैसे आपने बुकिंग कराई है सर हमारी थंडरबर्ड मोटरसाइकिल। यस सर, मैंने बुकिंग कराई है सर, 10,000 रुपीज जमा किए हैं। तो निश्चिंत रहिए सर, जो हमारे जो डीलरशिप होती है सर, ओके, जो डीलरशिप टीम होती है, जैसे ये लॉन्च होता है आपको पहले कोऑर्डिनेट किया जाता है सर, क्योंकि जितने भी लोगों ने बुकिंग कराई है उन्हें ये कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनके अमाउंट्स के रिलेटेड उन्हें गाइड किया जाता है। कोऑर्डिनेट डिलीवर्ड हो गया सर, वो कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो BS4 मॉडल के लिए कर रहे हैं वो बार बार। वो नहीं, BS4 मोटरसाइकिल जो है सर वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा, तो जो भी अभी आपको मोटरसाइकिल प्रोवाइड की जाएगी सर डिस्कनेक्ट हुई है या डिस्कनेक्ट हुई है, डिसकंटिन्यू हुई है सर? डिसकंटिन्यू हुई है, हाँ। तो वही मैं कह रहा था कि अब सर, तो अब BS6 मॉडल का अब ये सुनने में आ रहा है कि ये आएगी नहीं, मेटियोर आएगी। नहीं सर, जैसे कि एज पर टीम हमें ये अपडेट्स नहीं आया है कि ये कैंसिल हो चुकी है। अच्छा, ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी सर, जैसे हमें अपडेट्स आता है इसके रिलेटेड हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। अच्छा सर, सोशल मीडिया थ्रू, हाँ, या इधर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हाँ सर, अगर इधर अगर जैसे थंडरबर्ड में भी अगर नहीं आई और क्या कहते हैं इसके बदले में मेटियोर आई, तो फिर सर मेरे पैसे का क्या होगा? जी देखिए, अगर आपने बुकिंग कराई है सर, तो आप चाहे तो देखिए इसमें रिफंड भी ले सकते हो, आप कैंसिल
आपको जो मेटियोर है वो काफी सेम है थंडरबर्ड जैसी है। मेटियोर के डिटेल जरा बता सकते हैं? हाँ जी, मेटियोर के डिटेल बता सकते हैं आप? जी डेफिनेटली सर, लाइन पे बने रहिए। जैसे कि जो मेटियोर मोटरसाइकिल है सर, ओके, जो काफी सेम है थंडरबर्ड के थ्रू। अच्छा, जैसे कि जो थंडरबर्ड थी उसकी जो फ्यूल टैंक थी वो 20 लीटर की थी। अभी जो मेटियोर है ये एज पर जैसे कि जो शॉर्ट राइडर्स थे उन्हें कम्फर्ट नहीं उसमें ये हो रहा था। अच्छा, अच्छा। सिटिंग कम्फर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसकी जो फ्यूल टैंक है वो कम कर दी है। ओके, BS6 इंजन है, यानी आपको इंजन का जो रिफाइनमेंट रहेगा वो काफी डिफरेंट होगा। ओके, इसमें वाइब्रेशन का आपको इश्यू नहीं होगा। अच्छा, ओके जी, हैंडलिंग इश्यू नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, तो इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इसके फीचर्स जो होते हैं सर, ओके, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। हाँ, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं भाई, जैसा आप बता रहे हैं वो तो थंडरबर्ड से ज्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू। जी डेफिनेटली सर, देखिए जो भी चीज अपग्रेड करके आती है सर, तो वो सारी चीजें मतलब जो पहली चीजें होती है, और जैसे आप जैसे लोग उसे फीडबैक देते हो सर, उस हिसाब से वो एक न्यू चीज उसमें प्रोवाइड करती है सारी कंपनी। वैसे रॉयल एनफील्ड भी आपको, जैसे कि आपने कोई कामयाब बताई होगी कि मुझे ये गाड़ी में ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, ओके, तो जो मैन्युफैक्चरिंग टीम होती है वो इन सारी चीजों पर लुक डाउन करती है और आपको बेटर चीज एक प्रोवाइड करती है जब नई कोई चीज लॉन्च होती है तब। अच्छा, मतलब जो बताई है यानी कि जो फीडबैक जो देते हैं कस्टमर्स वो उसके बेस पे। जी अच्छा अच्छा, कि आप अभी हमारे सबसे एक एग्जांपल, आपने क्लासिक मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो। जी जी, क्लासिक मोटरसाइकिल में आपको कोई इश्यू होता है तो आप फीडबैक देते हो। जी जी जी, मोटरसाइकिल है इसमें मुझे ये इशू हो रहा है। जी जी, जैसे कि आपकी हाइट शॉर्टर है या आपको वेट इशू है, जैसे हाईली वेटेड लग रहा है आपको, तो आप फीडबैक देते हो। ओके, तो जैसे आप जैसे काफी लोगों ने फीडबैक दिया होता है, ओके, तो उस बेसिस पे ये सारे चेंजेस होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और एवरेज वगैरह का क्या रहेगा उसमें मेटियोर में? देखिए क्षमा चाहते हैं, देखिए एवरेज के रिलेटेड अभी फिलहाल मैंने आपको गाइड किया था। नहीं नहीं, क्योंकि नहीं, हाँ वो समझ गया, वो समझ गया, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि थंडरबर्ड से जो है उसका फ्यूल टैंक कम आ रहा है, तो सर अगर कहते कम आ रहा है तो फिर तो सर ये तो प्रॉब्लम है ना सर, ये तो अच्छी बात थोड़ी नहीं है। नहीं नहीं सर, देखिए कैसा होगा सर, एक कम्फर्ट जोन के लिए उसका जो फ्यूल टैंक है वो छोटा किया गया। ओके, माइलेज कैसा डिपेंड होता है सर, आपके राइडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, आप क्लच को कैसे यूज करते हो, ब्रेकिंग कैसे यूज करते हो, ये सारी सर आई अंडरस्टैंड सर आई अंडरस्टैंड। यस सर ये तो मैं समझ में आ रहा है, लेकिन सर अब आप खुद सोच लीजिए सर, अगर उसका फ्यूल टैंक अगर कम हो गया और लॉन्ग राइड के लिए अगर आदमी उसे यूज करता था पहले थंडरबर्ड, और अब जो है ये इसका कम हो गया, तो फिर ये लॉन्ग राइड के लिए बचा नहीं ना। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, जैसे आप देखते हो तो काफी हमारी जो मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की, सारी मोटरसाइकिल लोग लॉन्ग राइड के लिए। जी जी जी, हाँ हाँ, ये तो बात है। हाँ जी, मैंने एज यूजुअल, हाँ आप, हाँ नहीं जी, क्लासिक की बात कर रहे हैं, मैंने एज यूजुअल हिमालयन भी यूज़ किया है, और लॉन्ग राइड के लिए ही तकरीबन सारी हैं, क्लासिक भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए हाँ ये बात बिल्कुल मान रहा है, लेकिन तो वही हाँ। तो ये दोनों बाइक से आपको भी पता है सर कि इसकी जो फ्यूल टैंक ज़्यादा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए अच्छा, बस वही मैं पूछ रहा था कि कहीं पता चला कि कम कर दिया फिर वो लॉन्ग राइड का मतलब। देखिए जैसे कि आपने बुकिंग कराई है सर, तो जो हमारी कस्टमर जो टीम होती है सर, डीलरशिप टीम, ओके, जैसे उन्हें अपडेट्स मिलता है कि ये मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली है, वो आपको पहले गाइड करते हैं सर ये मोटरसाइकिल लॉन्च हो गई है। ओके, तो वो आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, फीचर्स जान सकते हो, या आप हमें कॉल कर सकते हो अगर आपको अपडेट्स मिलता है कि ये लॉन्च के। ओके, या तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rollen.com सर, वो मैं रोजाना चेक कर रहा हूँ सर, 2 महीने हो गए, हर 3-4 दिन में उसको वो मैं देख ही लेता हूँ। क्षमा चाहते हैं, आपको हमारी तरफ से इशू फेस हो रही है, बट एक रिक्वेस्ट होगी आपसे, वेट कीजिए सर, निश्चिंत रहिए, जैसे हमें अपडेट्स आते हैं हम डेफिनेटली हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपको शेयर करेंगे इसके रिलेटेड। ओके चलिए सर, वही ऐसे क्योंकि मैं कंफ्यूजन था, बहुत एक लंबा टाइम हो गया था, और फिर वही बार बार जहन में आ रहा था कि फिर BS4 ले लें क्या करें जब आ ही नहीं रहे। तो नहीं नहीं सर, अगर न्यू मोटरसाइकिल है सर तो काफी चेंजेस भी हुआ है। ओके, तो आप पहले चेक कर लीजिए सर, काफी आपको भी बढ़िया पसंद आएगी सर, टेस्ट ड्राइव के रिलेटेड आप वहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ओके चलिए सर, थैंक यू सर। अच्छा, रेट वगैरह कोई डिफरेंस वगैरह? जी देखिए कैसा होगा सर कि पहली चीज अभी तक कोई
हमें थोड़ा अपडेट नहीं आया था कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी. ओके तो जैसे आते हैं हम डेफिनेटली आपको, जैसे मैंने आपको गाइड किया, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हम शेयर कर देंगे आपको. ओके अच्छा सर, अब आपने तो और कंफ्यूज कर दिया सर थोड़ा सा मुझे. चलिए और उसमें कलर वगैरह का कोई, हाँ जी कलर वगैरह का कोई, मतलब वही रहेगा वाइट और रेड, या फिर चेंज हो जाएगा कलर भी? नहीं नहीं सर, मेटियोर जो मोटरसाइकिल है उसके कलर डिफरेंट रहेंगे. अच्छा क्या क्या कुछ कुछ क्या बता सकते हैं आप? जैसे कि राइट नाउ सर मैंने आपको गाइड किया था कि अभी तक अपडेट्स नहीं आया टीम द्वारा. एक बार ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा सर तो डेफिनेटली हम आपको शेयर कर सकेंगे इसके रिलेटेड. चलिए सर ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर ऑल एंड फिर मैं कॉल करने के लिए आपका दिन शुभ. थैंक यू सर. तो आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. और कुछ आप लोगों के जहन में ऐसे बहुत सारे रूमर्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्लियर हो गया होगा. तो बस ठीक है, इतना ही था और कोई ख़ास बात तो थी नहीं. इसमें टैंक के बारे में बताया गया, फ्यूल टैंक के बारे में, कि इन्होंने थंडरबर्ड एक्स से टैंक जो है कम कर दिया है. और वो कितना कम किया है वो मैंने कई बार कोशिश भी करी लेकिन इन्होंने ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया. हाँ ये बताया कि लॉन्ग राइड के लिए है. तो हाँ इससे ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर टैंक इन्होंने कम कर दिया है तो इसका एवरेज मे बी इसका एवरेज एज़ कम्पेयर टू पुराने बाइक्स पे, जैसे मैंने बताया थंडरबर्ड, हिमालयन, मैंने इनको एग्जांपल दिया कि थंडरबर्ड है, हिमालयन है, यह है, इसके बहुत अच्छे लॉन्ग रूट के लिए बनाया गया है और वो काम भी करता है. हैं तो उन्होंने बोला क्या कि हाँ उसी पर्पज़ से इसको भी बनाया गया. तो टैंक कम करा है और लॉन्ग रूट के लिए बनाया गया है, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका एवरेज अच्छा होगा. हम निकाल सकते हैं, हमने उनसे पूछने की कोशिश करी, उन्होंने बेटर बोला, ऐसा कोई ख़ास तो उन्होंने इसका जवाब दिया नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद है कि इसका एवरेज पुरानी बाइकों से ज़्यादा होगा. मतलब जैसे क्लासिक में था, जैसे हिमालयन का एवरेज है और जैसे पहले थंडरबर्ड 350X का एवरेज है, मे बी इससे तो ज़्यादा ही होगा. अब कितना ज़्यादा होगा वो जब एक्चुअल में आ जाएगा तो वो आपको लाइव इसका वीडियोज़ मिलेंगे. अब तक आप लोग ऑडियो सुन रहे होंगे और वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, जो एक्चुअल वीडियोज़ जो आप लोग देखना चाह रहे होंगे कि बाइक कैसी है क्या है, तो वो मैं खुद दिखाऊंगा, या तो मैं खुद चला करके उसको दिखाऊंगा या जो भी चीज़ होगा वो लाइव दिखाऊंगा, आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा. तो हाँ उसके लिए अब जाहिर सी बात है आपको लाइव भी चाहिए और आपको पता चल जाए एज सून एज पॉसिबल, तो उसके लिए तो ये तो करना पड़ेगा आपको कि क्या कहते हैं सब्सक्राइब अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, है ना. और दूसरा ये है कि लाइक कर लीजिए, और तीसरा ये है कि उस पर क्या कहते हैं कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो वो जो है वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा. बस और तो कुछ बोलने को है नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, अब इसको क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू. Yeah.